वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो इस कोरोना काल के महामारी के दौरान एक वाइन शॉप की तिजोरी के साथ लाखों का शराब और सामान चोरी कर रफू चक्कर हो गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोर ने तिजोरी को मालवानी के एक तालाब में पानी के अंदर छुपा कर रखा है। हालांकि कांदिवली पुलिस ने पानी से भरे तालाब से 100 किलो की तिजोरी, बार और वाइन शॉप के कुल 7 लाइसेंस, कंप्यूटर के साथ लाखों का सामान बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी का नाम अरुण सरदार है, जो कि मालवानी इलाके का रहने वाला है। इसके ऊपर पूरे मुंबई में 50 से भी ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी की 3 पत्नियां हैं और तीनों को मलाड में ही अलग अलग इलाके में रखा गया है। ये पेशावर चोर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई की रात आरोपी कांदिवली रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक वाइन शॉप से तिजोरी के साथ लाखों का सामान चोरी कर रफू चक्कर हो गया। इतना ही नहीं, चोर इतना शातिर था कि उसने शॉप में लगे सीसीटीवी का डीवीआर मशीन भी लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन कांदिवली पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी के साथ तिजोरी को पानी से भरे तालाब से बरामद कर लिया। कांदिवली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक वाइन शॉप है। कुछ लोगों ने वो वाइन शॉप उसका लॉक तोड़ के अंदर का तिजोरी जिसमें पैसा था और कंप्यूटर, ऐसा दोनों बात चुरा के वो लेके गए थे। इसकी तहकीक हमने चालू करने के बाद हमको एक इसम को हमने मालवणी के एरिया से अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद उसके पास तहकीकात की, तब हमें ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने जो तिजोरी उन्होंने चुराई थी वो तोड़ के अली तालाब मालवणी के एरिया में डाली है। हमने वो तिजोरी अली तालाब से बरामद कर दी, उसमें कंप्यूटर के पार्ट्स और लाइसेंस मिल गए, हमने वो बरामद किए हैं। बाकी की तहकीकात चालू है।